Hey guys, welcome to our channel Giggle with us. तो आज हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. एक्सपेरिमेंट क्या है? हम लोग नूडल्स चैलेंज नहीं, मतलब रिव्यू देंगे हम लोग. नूडल्स लाए हैं जो भी अवेलेबल थे हम लोगों के, कोशिश किए कि सारे अलग अलग लेते आए. तो अलग अलग नूडल्स लेके आए हैं, उनको नेचुरली जैसे वो हैं, ये दोनों और ये रेमन. मेरे पास है मैगी और ये मेरे पास है रेमन. चिंग्स का हॉट गार्लिक है और ये इसके पास है टॉप रेमन. तो ये सारे नूडल्स हम लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे किसका टेस्ट कैसा लगा है. बाकी वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, आपको बहुत ढेर सारी मस्ती मजाक सब मिलेगा देखने को. और हम लोग लास्ट में बताएंगे कि हमें कौन सा जो भी है मैगी प्रेमन जो भी कौन सा अच्छा लगा. और हमारे मास्टर शेफ देखिए बना रहे हैं. तो सबसे पहले इसमें हम चिंग्स का बना रहे हैं सबसे पहले. और कुछ भी एकदम मतलब नॉर्मल पानी में, और वो उसमें जैसे सेम इंस्ट्रक्शन लिखा है, पानी में बॉइलिंग वाटर में आपको डालना है नूडल्स और इसका मसाला मिक्स. फिर उसके बाद 2-3 मिनट कुक करना है, बंद कर देना. सारे बारी बारी से ऐसे बनाने के बाद हो जाएगा. और वहाँ पे आकांक्षा सिंह पढ़ते हुए इनका सेशनल स्टार्ट होने वाला है. और ये पढ़ाई नहीं कर रही, बिल्कुल अलग ही रह रही है. लास्ट मोमेंट में पढ़कर पास होने वाली है ये, बस वैसे वैसों में से है. होप सो ये पास हो जाएगी. आप सब बनाते रहिए, पास हो जाए. पानी गर्म पानी में इसको डाल दिया है. इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले. मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले. और ये सबकी फेवरेट इंडिया में, मतलब हर हॉस्टेलियर का, मतलब जिस करता धरता जिसपे सब टिके हुए हैं. मैगी 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 पक रही है, मैगी पक रही है, इसका अलग क्रेज है. टॉप रेमन करी बेसिकली पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग, हम तीनों. स्टार्ट. तो साइड डिशेस तैयार हो चुकी हैं और देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और हमारे शेफ जो थे इन्होंने बहुत प्यारा बनाया सब कुछ. और हम लोग टेस्ट करके सबको आपके सामने बताते हैं कौन कैसा है. सबका रिव्यू देते हैं, सबका कलर अलग है और सबका अमाउंट भी प्राइस भी अलग है. सब कुछ बारी बारी से बताते हैं. तो पहले मैगी यार, पहले मैगी. नहीं नहीं मैगी लास्ट, मैगी लास्ट, नहीं मैगी लास्ट. लास्ट में मैगी, क्योंकि हर कोई मैगी का वेट कर रहा है. मस्त प्लानिंग. लेकिन हर किसी को मैगी का टेस्ट पता होता है. वैसे सबसे पहले हिप्पी ट्राई करने जा रहे हैं. हिप्पी हिप्पी हमें उतना कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता, पर देखा. हाँ, बहुत कम खाए हैं यार. एक दो बार खाया हमने, बहुत. और हम तो बहुत पहले का खाए हैं. और हिप्पी का प्राइस तो बेसिकली प्राइस वाइज 12 रुपए का है, 12 इंडियन रुपीज. और उसके बाद इसमें ऑलरेडी इसके मसाला मिक्स में थोड़ा सा गाजर वेजिटेबल्स वो सब दिख रहे हैं और दिख रहे हैं. तो इसको ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद खाते हैं. सबसे पहले मैं खाता हूँ. मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी अच्छा है. जब मैंने तो आई थिंक इतना ऐसा टेस्ट नहीं आता. अच्छा है वो. यार छोटी छोटी चीजें उन सब का भी आई थिंक ठीक है. आई वुड रेट दिस आउट ऑफ 10. अगर देखना हो तो आई वुड रेट दिस 6.5 out of 10.
और सेकंड नंबर पे ये है चिंग्स का हॉट गार्लिक, ये इसकी प्राइस है 15 रुपीज। कलर काफी इसका वैसा काफी रेडिश टाइप का है, आई मे बी टैंगी हो सकता है ये कलर वाइज, और आई थिंक स्पाइसी हो सकता है क्योंकि इसका नाम हॉट गार्लिक है, कभी ट्राई नहीं किया मैंने वैसे। हां मैं मैगी खाते हैं बस, सच बता रहे हैं अपनी रियलिटी बता रहे हैं। आई गॉट दिस, आई लव दिस, इसका मतलब एक स्पाइसीनेस है हल्का सा, हल्का सा स्पाइसीनेस है, तो इसमें हल्का सा स्पाइसीनेस है, आई थिंक यिप्पी से हल्का सा, हमें लगता है इससे अच्छा यिप्पी था यार, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, हमें नूडल का आई थिंक वो जो थिकनेस और वो लग रहा है सेम है, मतलब मसाला मिक्स में ही ऑब्वियसली डिफरेंस तो उसी में होता है कुछ भी, बट हाँ हॉट गार्लिक के नाम पे हल्का सा स्पाइसीनेस है क्योंकि आप जैसे जैसे खाते जाओगे बाद में धीरे 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 वो आ रहा है कि हाँ ठीक है। अगर मैं जिस समय टेस्ट बढ़ है उस समय बताऊँ तो वो मुझे ज़्यादा चीवी लग रहा था, उसको मुझे ज़्यादा चबाना पड़ रहा है, बट ये उससे कम चीवी है, ये हाँ उस पर लिखा था पैकेट पर कि हाँ तीखा है तो तीखा ही रहेगा, तो मीठा तो करेंगे नहीं वो, और जैसा था सही था जो उसमें था वैसा ही दिया, बहुत अलग से बहुत कुछ अलग से हट के नहीं दिया जो उसको लिखा था वैसे था, मेरे हिसाब से उसको 10 में से 5 होगा, हम इसको 10 में से 5 हम भी देंगे क्योंकि सच में जैसे ये बताया था कि वो ड्राइनेस बहुत चीवी था, ये चीवी नहीं था, आराम से हम लोग खा ले रहे थे, और मतलब कि आई थिंक हम 10 में से इसको 6 देंगे, हाँ 6 out of 10। और एक बात है मतलब हर नूडल पे लिखा था कि आपको इस मतलब कि 2 से 3 मिनट तक पकाना है, बट उतने देर में वो पूरा आई डोंट थिंक सो वो फुल्ली कुक्ड होता है, वो अंडर कुक्ड ही रहता है, तो जा रहे तो मैंने थोड़ा ज्यादा पकाया, उस वजह से अगर 2-3 मिनट आप पकाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कोई भी नूडल पक जाएगा, नॉट इवन मैगी। 1 hour later 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, इट्स अ मिथ, ये मैगी है मैगी, इसकी प्राइस है 14 रुपीस और इसकी क्वांटिटी भी हमें लगता है अच्छी है, और यिप्पी और हॉट गार्लिक के बीच में लाई करता है 14 रुपए, और जैसे कि इन्होंने बताया था कि यिप्पी 12 रुपए का था, हां 12 का था, उसके हिसाब से क्वांटिटी मैगी 2 रुपए के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, हाँ थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा है, बट इसके मसाला मिक्स में प्लेन था कुछ, उसमें जैसे कुछ थोड़े से वेजिटेबल्स थे, मैगी यार देखो सबको पसंद आती है और ये जल्दी सच में पक जाती है, ऐसा नहीं है, हाँ 2 मिनट नहीं लगता है, बस 2 मिनट नहीं लगता है, खाने में ढंग ही नहीं है यार, क्या बताऊं, मैगी एज यूजुअल जैसा टेस्ट होता है उसका वैसा था, मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है वो बताओ, इतने सालों से खाया मैंने मैगी, मतलब मैगी हर कोई खाता रहता है, तो मैगी डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से और मेमोरीज के हिसाब से, सो आई वुड रेट दिस एट मतलब 8.5 out of 10। यार मेरे हिसाब से मैगी ऐसी चीज है जो छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, यंगस्टर भी खा सकते हैं, खा तो सारे नूडल सकते हैं, पर ये जैसे आप खा सकते हो छोटे बच्चे बहुत मतलब सही खा सकते हैं, वो नहीं खा सकता जो चीन्स चाइनीज वाला, हाँ कुछ स्पाइसी नहीं खा सकता, दिस इज इमोशन, मैं सच बताऊं तो इसको मैं 10 में से 10 के 10 में 20 दे सकता हूँ, जैसा था पहले आज भी वैसा ही है, नहीं मेरे हिसाब से जैसा ही पहले था वैसा नहीं है, और भी अच्छे फ्लेवर लगते थे मुझे, मैगी के फ्लेवर बहुत अच्छे थे पहले, अब थोड़े से प्राइस लेने की जब मतलब जब मैं छोटा था तो मैगी 8 रुपए से मिलना स्टार्ट हुई थी, और अब मैगी का प्राइस 14 हो गया उसी पैक का, उसके हिसाब से मसाले में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, ऐसा है, और मैं इसमें इवन क्वांटिटी में हल्के से चेंजेस हैं, बट ठीक है मैं गाई आ रही हूँ उस हिसाब से, ठीक है मैं 10 में से इसको 7 ऑब्वियसली दूंगी 7। आई थिंक तुमको ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन, कौन सा ऐसा नूडल होगा जो तुम्हारे लिए 10 में से 10 होगा, मतलब वर्ल्ड में कोई ऐसा नूडल, तुम कौन सा नूडल खाई हो जिससे कंपेयर कर रही हो कि ये 10 में से 7, मुझे लगता है 10 में से 7 है मैगी, ये ऑनेस्टली मुझे कई दिन से ट्राई करना था, हर कोई मतलब कई बार कह रहा था, और इसको थोड़ा ग्रेवी नूडल होता है उसमें रहता है, इवन पैक में लिखा था उसके अलाउ ग्रेवी टू रिमेन, और इसका प्राइस काफी हाई है बाकी के कंपैरिजन में,
इसका 25 रुपये 25 रुपीज़ मतलब बहुत, आई थिंक अगर कोई एक बार खाने का सोचेगा तो नॉर्मली ऐसे नहीं, मतलब काफ़ी हाई है, बट अमाउंट भी ज़्यादा है और उसके बाद ग्रेवी वगैरह भी रहता है, आई डोंट नो। और ये फ्लैट नूडल्स हैं, बाकी सब थोड़े रोल वाले होते हैं, ये फ्लैट है, फ्लैट नूडल्स। और जब ये बन रहा था तो यार इसका फ्लेवर मतलब पूरे घर में मतलब महक आ रही थी, इसकी स्मेल आ रही थी, जुकाम हो रहा था, बट देख कैसा लग रहा है, एकदम ठीक है बस, मतलब महंगा खा के टेस्ट करने के बाद समझ आता है। जल्दी करो यार, दूसरों को भी मौका दो। नहीं सब आराम से खाओ, टेस्ट करना आराम से खाओ, जल्दी बात। बहुत आई डिसअपॉइंटेड आई एम बिकॉज आई थिंक जितना हाइप था इसका, और आई थिंक 25 रुपए के हिसाब से आई वुड डेफिनेटली गो फॉर, मतलब आई वुड दो पैकेट मैगी, मैगी बार्गेनिंग करके मैगी, आई वुड ऑलवेज गो फॉर मैगी, आई वुड नेवर प्रेफर कि 25 रुपए लेके आई वुड गेट दिस। इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या गाय का चारा? सबसे टेस्ट के हिसाब से भी कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था, गुड टेस्ट, मतलब गुड इनफ फॉर मी। दीदी बताओ कुछ। ओ बहुत धन्यवाद, 10 में से 5 देंगे। मैगी से अच्छा नहीं था ये, एक्चुअली ये मुझे अच्छा लगा ये इन दोनों से भी नीचे आएगा प्राइस रेंज के हिसाब से, इतने में आपकी दो ये भी यार बस करो, सुख 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 कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं पसंद आता ये सब, पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा मैगी था, क्योंकि मैंने नंबर यूपी को बहुत कम दिया था, उस हिसाब से आप 25 रुपए का एक रेमन और 12 के आप दो यूपी, स्टिल आप 1 रुपए का च्युइंगम या एक्लेयर्स खरीद सकते हो। हाँ तो मेरे लिए भी यूपी था, और उसका नंबर यार स्विच कर सकते हैं आप, जैसे भी 6 नंबर 5 नंबर। तो मेरे लिए भी नंबर 1 मैगी, सेकंड यूपी, तुम्हारे लिए उसके बाद मैं अगर टेस्ट वाइज होता है, अगर वैसे मैं बहुत ही खाता खाता नहीं, तो मैं ये भी पे जाऊंगा, और उसके बाद मैं इस पे जाऊंगा। अजीब सा फील हो रहा है, और ये भी चाइनीज वाला भी है। नहीं, जो मुझे स्पाइसी पसंद है तो खाइए सब, जो पसंद आपको है वो आप सब खाइए, हमने खा लिया, अपना पर्सपेक्टिव दे दिया, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या अच्छा लगा। अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाए तो कौन कौन से और नूडल्स हैं जो हमको ढूंढना पड़ेगा, दूर जाकर। यहाँ पे बाय बाय ट्राई किया था बट मिला नहीं, बट अगर आप चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन मंगाएंगे, बट खाएंगे जरूर। और आप लोग भी बताइए अपने एक्सपीरियंसेस, आपको कौन से नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आप लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, हर कोई, हर कोई जो कमेंट कर रहा है, प्रेम आर्या, हर कोई, हर कोई, थैंक यू। So yeah, so this was it for today. I hope आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर तो पक्का कर दीजिए, और सब्सक्राइब किए तो जाइएगा मत, और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, वो घंटा जो है उसको पट के मारिएगा, पट से मारिएगा, do like share subscribe to the channel and thank you, bye bye।